हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसके अंदर करेक्ट फॉर्म में आपको कैसे सेट करना है, इसके कौन कौन से एडवर्बियल्स होते हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहला एडवर्बियल इसका होता है जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट इसलिए इसमें है। जस्ट के बाद आता है जस्ट नाउ। कभी कभी हम बोल देते हैं साथ में कि जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का मतलब भी बिल्कुल अभी ही होता है। तो इसके जैसे सिमिलर अर्थ देने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब इस सेट में आएंगे, ठीक है। जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब भी होता है अभी हाल ही में, ठीक है। जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, रिसेंटली, येट, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, ये किसके अंदर काम करते हैं? ये एडवर्बियल्स अगर किसी करेक्ट फॉर्म में आते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब वीडियोस में आपने टेंस की में देख लिए है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज और हैव है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैज और हैव। और इनके साथ में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। जैसा कि आपने टेंस में देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स ये हो गए, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? हैज है, और वर्ब की फॉर्म थर्ड। तो देखिए एग्जांपल किस तरीके से आएगा आपके सामने। आपके सामने एग्जांपल आएगा, वी ब्लैंक स्टार्ट टू लिव हियर रिसेंटली। अब देखिए इस एडवर्बियल, इस करेक्ट फॉर्म के एग्जांपल में आपको क्या एडवर्बियल दिया हुआ है? रिसेंटली। तो रिसेंटली के साथ में हम तुरंत समझ गए कि भैया ये जो सेट है वो कौन सा सेट है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेट है। और प्रेजेंट परफेक्ट के सेट में हमको क्या करना होता है? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को फिल करना होता है। इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको जो भी सेट बताए जा रहे हैं तो इसके साथ में ही आपको कॉपी में राइट क्या करना है? हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड, क्योंकि ये वर्ड्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियोस हमने देखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव किस किस के साथ में आता है वो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ वी, आई, वी, यू और दे, इनके साथ में क्या आता है? हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में क्या आता है? हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां पर वी के साथ में क्या आ गया? हैव, और वर्ब थर्ड मतलब स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? स्टार्टेड। तो ये हैव स्टार्टेड इज द राइट आंसर। तो ये क्या बन गया? वी हैव स्टार्टेड टू लिव हियर रिसेंटली। रिसेंटली देख लिया जी है कि आपने एडवर्बियल जो सामने दिया हुआ है आपके, इस एडवर्बियल के साथ में जितने भी करेक्ट फॉर्म के एग्जांपल्स आएंगे उन सभी में आपको क्या करना है? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को फिल करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको सब्सक्राइब करने पर जो नंबर मिला है उसमें आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।